वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे थे और मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट पर आ चुके हैं, जहां पर हमें कॉस्ट से रिलेटेड टॉपिक होगा तो हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है, और अगर रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू को हमें मैक्सिमम करना है। तो आइए कॉस्ट का एक और क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग ऑफ रेट 1000 रुपीज एज अ ओवरहेड्स, मेटेरियल कॉस्ट ऑफ रेट द 2 रुपीज पर आइटम्स एंड द लेबर कॉस्ट एक्स स्क्वायर बाय 90 फॉर एक्स आइटम प्रोड्यूस्ड, फाइंड हाउ मेनी आइटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड टू हैव द एवरेज कॉस्ट एज अ मिनिमम। तो यहां पर आपसे ये सवाल कर रहा है कि मुझे कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे मेरा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अब आप इस बात को आपको समझना होगा बच्चे कि जैसे कि अगर आपको एक बिस्किट मान लीजिए, पार्ले जी, अगर आप एक ही यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको पता है कि उसका कितना कॉस्ट आएगा एक यूनिट का। वो जब क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन करेंगे तो धीरे धीरे कॉस्ट कम होता चला जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर कॉस्ट बढ़ने लग जाता है। तो सवाल यह है कि मुझे कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि मेरा एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मेरा मिनिमम रहे, सबसे डाउन पर आए। और हर प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि भैया उसका कॉस्ट मिनिमम हो जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हर प्रोड्यूसर का मोटिव होता है। अब यहां पर ऐसा एक सवाल आपके सामने है और आप एक फर्म में काम करते हैं और आपको अपने कॉस्ट को क्या करना है बच्चे, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो आइए पहले हम टोटल कॉस्ट की तो बात कर लें। आपके सामने टोटल कॉस्ट ही नहीं है तो मिनिमाइज कैसे करोगे? तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा आपका? तो टोटल कॉस्ट ये आपके पास में 1000 रुपीज ओवरहेड्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके बैचेस को पढ़ा रहा हूं, तो मैं जितने ज्यादा बैचेस पढ़ाऊंगा मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना ही ज्यादा आएगा, तो ये तो मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट हो गया। लेकिन जो रेंट है वो फिक्स है, मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं या फिर मैं लॉक कर दूं, उसके बाद में मुझे रेंट तो अफोर्ड करना ही पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बेसिकली होता है। तो आपके पास में क्या क्या कॉस्ट आने वाला है इस क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप अपने पास में, तो आप जो है कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्वांटिटी कितनी है ये क्लियर है आपके लिए, बट उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको वेरिएबल के फॉर्म में बता दिया एक्स यूनिट्स क्वांटिटी है आपकी, आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्स यूनिट्स। अब बेटा क्वांटिटी एक्स है और आपके पास है टोटल कॉस्ट आपको निकालना है, साथ साथ जिसको समझ में आ गया वो करते रहिए और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में डालें। टोटल कॉस्ट क्या होता है आपके पास में? तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है आपका? मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट क्या? 2 रुपए पर यूनिट। तो 2 रुपए पर यूनिट है, और अगर आपने एक्स यूनिट का प्रोडक्शन करा तो फिर आपके पास में उस एक्स यूनिट के प्रोड्यूस करने में मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा? अगर एक यूनिट पे 2 रुपए लग रहा है तो 5 यूनिट प्रोड्यूस करोगे 10 रुपए लगेगा। तो आपकी क्वांटिटी क्या है? एक्स है, तो भैया आपका मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट लेंगे प्लस मेटेरियल कॉस्ट, बेसिकली क्या होता है आपके पास में टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट होता है और प्लस फिक्स कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट। अब यहां पर मेरा 2 तरीके कॉस्ट आता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो वेरी करता है मैं कितने नंबर ऑफ बैचेस लेता हूं, ज्यादा अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा कॉस्ट आता है, कम करता हूं बैचेस करता हूं कम कॉस्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है, और दूसरा रेंट मेरे लिए फिक्स कॉस्ट है। मेरा टोटल कॉस्ट कितना आता है, मेरा फिक्स कॉस्ट और मेरा वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो मेरा मंथली का टोटल कॉस्ट आएगा। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है। अब वेरिएबल कॉस्ट में कितनी चीजें होती हैं? वेरिएबल कॉस्ट में भाई बिजनेस मैथ्स वही पढ़ा सकता है आपको जो कि इकोनॉमिक्स का टीचर हो, आप बाकी भी पढ़ा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा खास इकोनॉमिक्स यूज नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है भैया? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है मटेरियल कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट, और प्लस आपके पास में लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ जाए और अगर आप आउटपुट कम करेंगे तो कम हो जाए। तो ये दोनों के दोनों कॉस्ट ऐसे हैं, अगर प्रोडक्शन ज्यादा करोगे ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम करोगे कम होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट है, और प्लस फिक्स कॉस्ट जिसको ओवरहेड कॉस्ट आप बोलेंगे।
ओवरहेड कॉस्ट, और जो कि क्या निकल के आता है आपके पास में, मटेरियल कॉस्ट। तो आपके पास में एक यूनिट का 2 रुपए, और आपके लेबर कॉस्ट क्या है पहले देख लीजिए। लेबर कॉस्ट आपको गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 90 प्लस लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या है, सॉरी ये लेबर कॉस्ट आ गया, मेटल कॉस्ट क्या है 2x। कैसे, एक यूनिट का एक्स है तो एक यूनिट का 2 रुपए, तो एक्स यूनिट का 2x होगा। और ओवरहेड क्या है आपका 1000 रुपीज। ये क्या आया आपका, ये टोटल कॉस्ट आया। बात समझ रहे हैं? अब टोटल कॉस्ट तो आपके पास में आ गया है, लेकिन आपको किसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। जिसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होता है, पहले आप उस चीज को तो सामने रखिए। आपको टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करना, आपको एवरेज कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है। तो पहले आपके पास में एवरेज कॉस्ट आना चाहिए। तो आप एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, सवाल अब यह है। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट क्या है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर बाय 90 प्लस 2x प्लस 1000 टोटल कॉस्ट है अपॉन में क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है यहां पर, x यूनिट है। तो एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगा बच्चे, ये x सबको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो x अपॉन 90 रह जाएगा। जब यहां डिवाइड करेगा तो 2, और यहां डिवाइड करेगा तो आपके पास से 1000 बाय x हो जाएगा। ये आपका एवरेज कॉस्ट आ गया। तो जिस चीज को आपको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, वो चीज पहले आप कैलकुलेट तो करिए। तो एवरेज कॉस्ट करना था, तो अब आपके सामने एवरेज कॉस्ट आ गया। अब एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या फिर आपको मैक्सिमाइज, जो भी कुछ करना होता है, तो जिस चीज का मिनिमाइज मैक्सिमम में आपको कन्वर्ट करना होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ऑलवेज फिक्स है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं आप, एवरेज कॉस्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, यहां पर एक्स फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा आपके पास में, ये एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1/90, ये तो कॉन्स्टेंट नंबर 0 हो जाएगा, और माइनस 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। कभी भी आपके पास में ये डिनोमिनेटर में आ जाए जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो उसके ऊपर पावर एक ऐड हो जाता है और साइन चेंज हो जाता है। पावर 2 होता तो पावर 3 हो जाता। ये मैंने ऑलरेडी बेसिक क्लास में सिखा दिया है, अब वो समय नहीं रहा कि आपको बेसिक डिस्कस करूंगा मैं। हाँ जी, तो ये डेरिवेटिव आ गया, और आपके पास में जिसको भी मैक्सिमम मिनिमम कन्वर्ट करना है उसको डेरिवेटिव लीजिए, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करो, 0 के इक्वल पुट कर दो। तो सॉल्व करेंगे आप यहां पर, 1/90 इक्वल्स टू, ये वहां चला जाएगा ये, और 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर 1/90। अब एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 9 का 3 और 2 0 300, तो आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या है, 300। तो आपको सो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए, 300 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि भैया 300 यूनिट के प्रोडक्शन पे ये आपका मिनिमम चला जाएगा, तो आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव मैं यहां पे लेके देख रहा हूं, बच्चे मेरा स्पेस नहीं है तो मैं यहां कर रहा हूं। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट आया था, आपका एवरेज कॉस्ट, उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो। वो अगर आपको मिनिमम कर रहे हो तो वो आपका पॉजिटिव साइन आएगा। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मतलब वो मिनिमम हो गया, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो मैक्सिमम हो गया। तो आइए सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं इसका। सेकंड डेरिवेटिव में कांस्टेंट नंबर है, ये तो 0 हो जाएगा आपके पास में, और यहां पर आपके पास में हो जाएगा ये 1000 अपॉन एक्स के पावर 3, और एक्स के पावर 2 एक्स पावर 3, पावर 1 ऐड हो जाता है और साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस से तो प्लस। तो ये पॉजिटिव आंसर आ गया आपके पास में, मतलब कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका मिनिमम हो गया है। तो बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपका चाहे मिनिमम पूछे मैक्सिमम पूछे, जिस चीज का पूछ रहा है उस चीज को पहले अपने सामने रखिए, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेकर के 0 को इक्वल पुट कर दीजिए, वहां से आपका जो पूछ रहा है वो आंसर आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपका उसका डेरिवेटिव वैल्यू तो आ गया, अब वो मिनिमम हुआ या नहीं हुआ या मैक्सिमम हुआ या नहीं हुआ, इस बात के ऊपर सवाल है। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब है प्रूफ हो गया, मैक्सिमम हो गया, और सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आता है तो उसका प्रूफ हो गया, वो मिनिमम हो गया। तो बस प्रूफ करने वाली बात रह जाती है आगे, और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अब जुड़ रहे हैं क्लासेस में, जो अभी बहुत सारे बच्चे लगातार जुड़ते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो उनको समझ में नहीं आता सर कहां से पढ़ाई स्टार्ट करें, तो कैलकुलस की क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे बच्चे, तो आपको 100% समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में आपको नहीं आएगा। हाँ, लेकिन 20 से आपको बच्चे समझ में नहीं आएगा,
डन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बाय दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट इज जीरो, आल्सो वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। तो बच्चे स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कि एक के अंदर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे में कैसा रिएक्शन आएगा, उसे हम स्लोप कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। स्लोप का मतलब सिंपल सा अगर मतलब देखें तो साधारण सी भाषा में अगर आप बात समझते हैं, स्लोप का मतलब ढलान होता है। बट इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये चेंज रेट को बताता है कि अगर एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा, उसे हम स्लोप कहते हैं। क्लियर है बच्चे? अब एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो एक कोई भी आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल है, प्राइस उसका 2 रुपए है। एक आर्टिकल उसका प्राइस 1 रुपए है और आपके पास में इनकम 10 रुपए है, ठीक है। एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल बी है, और अगर आपने अपने 10 रुपए इस पे स्पेंड कर दिए, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो 5 यूनिट अगर आपने ले लिया तो आप यहां 0 ले पाएंगे। अगर आपने इसका, चलो इसका 0 लिया तो ये आप इसका 10 यूनिट ले पाएंगे। अगर इसका 1 लिया तो इसका आप 8 ले पाएंगे। इसका अगर आपने 2 यूनिट ले लिया तो 4 रुपए खर्च हो जाएंगे, यहाँ पे 6 ले पाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं? आप इस बात इस चीज को समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपका एक इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इसी को स्लोप बोलेंगे। क्लियर? अगर आप इसका डायग्राम भी बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ही बनेगा आपका डायग्राम, कि अगर आप एक गेन करेंगे तो वहां से आपका दूसरा सेक्रीफाइस होता हुआ नजर आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। खैर, आपको इतना इकोनॉमिक्स के टर्म्स में नहीं जाना क्योंकि मैं सीएफए का अभी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, और जब पढ़ाऊंगा तब आप उसके बारे में देखेंगे कि इसका डिटेल क्या है। फिलहाल आप इस बात को समझिएगा कि द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बाय द कॉस्ट इक्वल्स टू 0.1x³ - 3x² + 60x। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एट विच स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट इज 0, आल्सो वेरीफाई द एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिन कॉस्ट एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है? इससे पहले क्वेश्चन रह गया, बिल्कुल आएंगे उस क्वेश्चन पे। अब आपने याद दिला दिया तो बिल्कुल आएंगे जी। पहले इस पे इसको कर लेते हैं। हाँ जी सर, तो स्लोप किसका बताना है? एवरेज कॉस्ट का, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट इज 0। तो बात एवरेज कॉस्ट की कर रहा है, तो एवरेज कॉस्ट को निकालना पहले आपका काम है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है आपके पास में? सी इक्वल्स टू, करते रहिए साथ साथ। अगर आपको लगता है आप कर लेंगे इजिली तो आप करते रहिए मेरे साथ साथ, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करें। क्यूब -3x² + 60x, दिस वन। बात एवरेज कॉस्ट की कर रहा है तो हमें यहां पर एवरेज कॉस्ट निकालना चाहिए पहले। वो कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहां पर आपके पास में एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आपके पास में 0.x³ - 3x² + 60x अपॉन क्वांटिटी एक्स, एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू 0.x² की पावर 2। क्लियर है बच्चे? ये क्या आपके पास में, सॉरी, ये आपके पास है पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स है 0.x, 0.x³ / (-3x) + 60। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे इसको तो यहां पर मैं पॉइंट हटा के 0 लगा सकता हूं, उसका एक एक्स क्यूब मैं शिफ्ट कर सकता हूं। एवरेज कॉस्ट, ये आपका क्या आ गया? फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिएगा। क्लियर है बच्चे? ये तो खैर आप सॉल्व कर सकते हैं। 0.x² की पावर 2 हो जाएगा -3x और + 60, दिस वन। अब आपके पास में एवरेज कॉस्ट आ गया। स्लोप जिसका पूछता है ना आपसे, जिसका स्लोप पूछेगा, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट भी पूछ सकता है, जिसका भी स्लोप पूछेगा,
उसका डेरिवेटिव लेना होता है, बस बात खत्म, वो स्लोप आ जाता है उसका। तो बस स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास में, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास में, ये 2 से मल्टीप्लाई जाएगा ना, 0.1 इंटू 2, तो ये क्या है, ये बेसिकली 0.11 आपके पास में इंटू एक्स स्क्वायर है, समझिए ये कुछ भी नहीं है। आपको, आप कंफ्यूज हो रहे हैं पॉइंट को देख करके, तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या है आपके पास में, 0.1 इंटू 2 और एक्स हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा आपके पास में। अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास पे रिजल्ट आएगा क्या, जीरो पॉइंट टू एक्स माइनस 3, यह आपके पास में स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट आ गया। और क्या कह रहा है, ये जब जीरो हो, तो जब ये जीरो हो, इक्वल टू जीरो हो, तो 0.2x इक्वल टू 3 एंड आपके पास में 2x, क्या आपके पास में ये क्या है, 0.2 इंटू एक्स है ना ये आपके पास में। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मतलब 5 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15। क्लियर है बच्चे? तो x आपका क्या आ गया, 15 आ गया। Also verify that the average cost equals to marginal cost. अब marginal cost क्या होता है? Average cost समझ में आ गया आपके पास में? ठीक है, average cost तो पता लग गया आपको क्या है, this one. और marginal cost क्या होता है? Marginal cost equals to derivative of टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो एमसी निकाल रहे हैं हम, तो डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट हम लेंगे यहां पर, तो हमारे पास में क्या आएगा, 0.3 एक्स का स्क्वायर माइनस 6 एक्स एंड प्लस 60। क्लियर है बच्चे? और यहां पर देखिएगा आप, तो प्लस 60 एक्स स्क्वायर एवरेज, ऑल्सो वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स की वैल्यू के ऊपर, अब एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, एक्स की वैल्यू क्या निकाला हमने, 15, तो 0.3 15 का स्क्वायर 6 15 प्लस 60, तो आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लें अपना, क्या आएगा, 225 मल्टीप्लाई बाय 0.3 67.5 माइनस 90 प्लस 60 प्लस 60 माइनस 90 37.5। अब यही वैल्यू आप इस पे रख के देखिए जरा, ये तो मार्जिन कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट के अंदर 0.x क्या है आपके पास में, 15 का स्क्वायर माइनस 3 15 और प्लस 60 225 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और प्लस 60 माइनस 45 37.5। तो आप देखिएगा कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है और आपका मार्जिनल कॉस्ट है, दोनों इक्वल आया या नहीं आया, दिस वन दोनों आपका इक्वल आ गया। क्लियर है बच्चे? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। सर ये अपॉन में 10 कैसे आया, कहां पर बच्चे पूछ रहे हैं आप, 10 कहां पर पूछा है आपने, क्वेश्चन स्किप हो गया, कोई बात नहीं। अब यहां पर अपॉन में 10 कहां पूछा है आपने, ये रहा, तो एक डिजिट का पॉइंट है, तो पॉइंट हटा करके नीचे आपका एक जीरो लग जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो ये काट करके सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन पीछे हट गया था आपका, रह गया था उसको कर लेते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट अ टोटल कॉस्ट इज दिस, फाइंड द आउटपुट एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। मतलब आपको वो क्वांटिटी बताना है
पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है आपका, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करना है तो पहले मार्जिनल कॉस्ट तो निकालिए, उसका फिर डेरिवेटिव लीजिए, जिसको मिनिमम मैक्सिमम करना होता है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, जीरो को इक्वल पुट करिए वहां से आपके पास में आउटपुट आ जाएगा, द आउटपुट एट विच द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब एवरेज कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एवरेज कॉस्ट को निकालो पहले, फिर उसका डेरिवेटिव लो, जीरो इक्वल पुट कर दो, हो जाएगा वो। द आउटपुट एट विच द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी निकाल चुके, दोनों को इक्वल रख करके वहां पे वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लो। चलिए पहले आप ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आपको करवाता हूं। हाँ जी बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप सभी कमेंट को रीड भी कर रहा हूं, और बिल्कुल क्वेश्चंस के बाद मैं सभी बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है ना। आप आपके मन में जो भी बात है, जो नए बच्चे पुराने बच्चे आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो उन चीजों को मैं अवॉइड कर रहा हूं, बस क्लासेस के बीच में मैं थोड़ा सा टॉपिक को पहले टॉपिक पे फोकस कर लें, उसके बाद लास्ट के 5-7 मिनट आपके कमेंट्स को पढ़ पढ़ के मैं सबका रिप्लाई करूंगा, आप अपनी बातें रखते जाइए। हाँ जी, और इसका आंसर को तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी, इसका आंसर आप रखें, क्या आंसर रख रहे हैं आप? ठीक है बच्चे, अब साउंड है? हेलो, हाँ अब साउंड है, कमेंट करके बताएं साउंड है अब? चलिए प्रॉब्लम है तो बच्चों बताओ, ठीक है। चलिए, अ कंपनी प्रोड्यूस एक्स यूनिट ऑफ आउटपुट एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ द 1/3x³ - 8x² + 160x। तो आपके पास में बच्चे टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो क्या है, 1/3x³ - 18x² + 160x। अगर आप देखेंगे यहां पर, फर्स्ट द आउटपुट, आउटपुट निकालना है, एक्स निकालना है, आउटपुट मतलब एक्स क्वांटिटी एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। भैया बात मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करने की कर चुका है ये, तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर अपना ध्यान गड़ा लीजिए। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है बच्चे। अब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट आप निकालते हैं, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन के आपके पास में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, टोटल कॉस्ट, तो 1/3x³ - 18x² + 160x। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 1/3x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 यहां जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बस x^2 बचेगा, यहां जाएगा तो -36 हो जाएगा और x रहेगा, और यहां आएगा तो 160 हो जाएगा। अब बच्चे मार्जिनल कॉस्ट तो आ गया, अब इसको मिनिमम हमें करना है, तो जिस चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करना है तो मार्जिनल कॉस्ट को क्या क्या करना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे आप x²-36x + 160। अब सॉल्व करेंगे इसको तो d/dx, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं आप इसको 2x - 36 डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव तो ले लिया, अब उसके में हमें वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो जीरो इक्वल पुट कर दो आप दिस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 18। तो यहां पर आउटपुट क्या आ गया आपका, 18, ये आपका आंसर है। अब ये प्रूफ कैसे होगा कि ये मिनिमम है, तो भैया जो चीज का फिर जिस चीज को प्रूफ मिनिमम मैक्सिमम प्रूफ करना भी होता है बाद में हमें, भैया मिनिमम है फिर जिस चीज की बात हुई है उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो आप, और अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आ गया तो मतलब मिनिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए d2 ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट dx2, तो क्या आएगा मेरे पास में, मार्जिनल कॉस्ट क्या आया था दिस वन, तो 2x - 36, क्लियर है। और आप देखेंगे यहां पर, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव लेना है ना मुझे, तो इसका कितना आएगा मेरे पास में 2, दिस वन, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ही था,
तो ये मेरा क्या आ गया, मोर देन जीरो, तो प्रूफ हो गया मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आउटपुट एट विच द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, द आउटपुट एट विच द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। हाँ जी, बात किसे कर रहे हैं यहां पर, अब एवरेज कॉस्ट की। तो चलिए एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। बार बार सवालों करवा रहा हूं ताकि आपके मन में अच्छे से बैठ जाए चीजें। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मेरे पास में क्या आएगा, और टोटल कॉस्ट मेरे पास में क्या, 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस 18 एक्स की पावर 2 प्लस 160 एक्स और अपॉन क्वांटिटी एक्स। तो मतलब सबके सब आपका एक्स से डिवाइड होगा, तो 1/3 एक्स की पावर 2 माइनस 18 एक्स प्लस 160। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ये क्या आया मेरे पास में, ये मेरे पास में आया बच्चे एवरेज कॉस्ट। अब मुझे एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो भैया फिर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में आ गया 2x/3 माइनस 18 और इसको आप क्या करो, जीरो के इक्वल पुट कर दो। 2x/3 माइनस 18 इक्वल टू जीरो। बच्चे ग्रेजुएशन को सिर्फ नंबर के लिए मत पढ़ो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, या मजाक में मत लो। चलो ग्रेजुएशन कर लोगे तो उसके बाद तो कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना ही पड़ेगा आपको, तो उस प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर ये चीजें ऐसी पूछी जाएंगी कि कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा। ग्रेजुएशन में तो हम लोग हैं हेल्प करने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं इन बातों को आप याद करोगे सर क्या बात कहते थे। एक्स इक्वल टू 27, अब प्रूफ करना है मिनिमम वाई नहीं हुआ तो उसका भी सेकंड डेरिवेटिव ले लोगे, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, 2/3 आएगा जो कि मोर ग्रेटर देन जीरो है। द आउटपुट एट विच द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है हमसे। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकाला था क्या हमने बच्चों, बताइए। निकाला था ये एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एवरेज कॉस्ट क्या है मेरे पास, 1/3 एक्स की पावर 2 माइनस 18 एक्स प्लस 160 इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है मेरे पास में, मार्जिनल कॉस्ट कहां निकाला था हमने, बताइए जरा। जी रहा मार्जिनल कॉस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 160। भाई साहब उम्मीद करता हूं ठीक है दिख रहा है, सॉल्व करेंगे अब। 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस 18 एक्स आपके पास में यहां आ जाएगा 30x, तो प्लस 18x बचेगा, दिस वन हट गया, ये आपके पास में कट गया, ये आया इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करेंगे 3 तो आपके पास में माइनस 2x² / 3 इक्वल्स टू माइनस 18x, एक्स से ये x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये आपका 9 आया क्लियर, एंड x इक्वल्स टू आपका 27 आया, दिस वन। क्लियर है बच्चे, समझ गए क्या करा हमने, चलिए अब कुछ डाउट्स देख लेता हूं। पहले क्लासेस अभी तो और होनी चाहिए थी, क्लास लेट स्टार्ट होती है ना, अब क्वेश्चन करते रहेंगे सही बच्चे साथ साथ, मैं कुछ बात भी कर लेता हूं। हाँ जी बच्चे देखेंगे, अब आपके थोड़े डाउट्स ले लेता हूं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो आप काफी स्टूडेंट पैनिक भी हैं, खासकर वो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर आप दूर से और बीच बीच से चीजें को देखेंगे तो वो आपकी सिचुएशन को और जो है खराब कर देगा। इसलिए सबसे पहले आप कैलकुलस की क्लासेस से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, चाहे आप वो मैट्रिक से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, आप क्लासेस 1 से स्टार्ट करें, उसको जब समझ में आ जाए क्लास नंबर 2 को फिर देखें। एक बात ध्यान रखिएगा आप बच्चे, सभी बच्चे, कि आज की क्लासेस में इस बात का ध्यान सभी स्टूडेंट रखेंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उनको लगता है, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट, कई बार आवाज आ रही है बच्चों,
ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि यार उनके जो है कैचिंग पावर थोड़ी सी कम है, उनको थोड़ा कम समझ में आता है। ऐसा नहीं है बच्चे, आपको भी बाकी बच्चों के बराबर ही समझ में आता है, लेकिन बस थोड़ा सा आप अपने तरीके को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि आज की क्लास में आपको कितने अच्छी तरह समझ में आएगा, इसमें 80% रोल लास्ट क्लास का रहता है कि लास्ट क्लास इसको आप कितने अच्छे से रिविजन करके आए हैं, और 19% रोल आपका जो है वो आपके आज की क्लासेस में आपका अटेंशन कैसा है, ये हो गया आपका 99% रोल, और 1% रोल रहता है टीचर आपको जो कितना अच्छा पढ़ा रहा है। तो अगर आप अपने 99% पे काम नहीं कर रहे हैं और 1% पे आप उम्मीद से आप बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं आएगा, आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप किसी भी क्लासेस को देख रहे हैं स्टार्टिंग से अच्छे से, जब तक वो आपको दिमाग में नहीं आ जाता है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उसकी नॉलेज से, तो आप सेकंड क्लासेस पे मत जाइए। सेकंड क्लासेस से पहले आपको फर्स्ट क्लास को क्लियर करना है, फिर सेकंड क्लासेस पे जाइए। अब आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट करेगा, और इस एक बार इस सलाह को लेके देखिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि पैनिक हो रहे हैं कि सर ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम, और ग्रेजुएशन में हमारे परसेंटेज नहीं आए तो हम एमबीए कैसे करेंगे, और अगर हमारा एमबीए सही जगह से नहीं हुआ, एमबीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लाइफ में क्या करेंगे, कोई खास जॉब्स तो बाहर है नहीं, बड़े पैनिक हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इतने पैनिक होने की आपको कोई नीड है नहीं। जिंदगी में जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाए और बहुत ज्यादा आप उदास हो जाएं, और आपको अगर कोई रास्ता नजर नहीं आए और आपको लगे कि यार अब क्या होगा, और सब कुछ आपको बर्बाद नजर आ रहा है, उस स्थिति में आप आज से 100 साल पहले जाइएगा और देखिएगा कि इस दुनिया की आबादी कितनी थी। तो आज से 100 साल पहले भी दुनिया की एक काफी अच्छी खासी बड़ी आबादी थी। जैसे आज आपकी और हम सभी लोगों की अपनी अपनी समस्या, वैसे उन सभी की भी अपनी अपनी एक समस्या हुआ करती थी, लेकिन आज उनमें से कितनों की समस्या है, आज वो लोग ही नहीं रहे। तो जब एक आप इस बात को समझिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से लेकर के मत बैठिए जो कि आपकी लाइफ के ऊपर हावी हो जाए और आप डिप्रेशन जैसी चीजों में चली जाए। जब हम टेम्पररी है तो हमारे प्रॉब्लम्स भी टेम्पररी है, या फिर कुछ बहुत अच्छा हमने अचीव कर लिया वो भी टेम्पररी है, उसको लेकर के भी एक्साइटेड नहीं होना है, हमने कुछ अचीव कर लिया, और अगर हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है तो हमें उसको लेकर के भी डिप्रेस नहीं होना है। आप बस अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए कि आपका जो प्रोसेस है उसको आप कितने बेटर तरीके से कर सकते हैं। रिजल्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और रिजल्ट आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप अपने प्रोसेस पे इंटरेस्ट लेते हैं तो। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर मैट्रिक्स क्लासेस के आप दोबारा पढ़ाओगे? बच्चे देखिए, जैसे आज भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन करा है तो अब मैंने कैलकुलस स्टार्ट कर रखा है, मैं कैलकुलस दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा। आपका जो कोर्स है, बेसिकली आप इस बात को समझिए, आपका कोर्स इतना भारी भरकम कोर्स है, और आपका जो है सिलेबस ऐसा है कि ये कैट में और आपके पास में सीएफए वगैरह में जबरदस्त तरीके से आता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपका नहीं बना तो वहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपके इस कॉलेज में मार्क्स भी दिलवाना जरूरी है, प्लस में कॉन्सेप्ट्स को भी बूस्ट करना, बिल्ड करना जरूरी है। इसलिए मुझे टाइम लगता है पढ़ाने में, मैं आराम से धीरे धीरे टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं। और भले आपका एडमिशन कभी भी आप ले रहे हो या आपके ऊपर है, मैं बैच को जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसी दिन मैं स्टार्ट कर देता हूं अगला बैच। जैसे कि बिजनेस स्टैट्स का बैच, अभी आप एग्जाम चालू होगा, मेरा बिजनेस मैथ्स का बैच खत्म होगा, मैं चालू कर दूंगा बिजनेस स्टैट्स। क्यों? बच्चा बाद में आएगा, ज्वाइन करके देख लेगा क्लासेस को, लेकिन मुझे तो उस टाइम चाहिए प्रॉपर पढ़ाने में। लेकिन जब बच्चा बीच में आता है तो उसके मन में सवाल आता है कि सर ये पुरानी क्लासेस है, आप लाइव लोगे क्या? बच्चे आप स्टार्टिंग से जुड़ेंगे आपको सारी क्लासेस लाइव मिलेगी, जब बीच बीच में आएंगे तो लाइव नहीं मिलेंगी, अभी की क्लासेस हैं सारी, इसी आपके पास में इसी टाइम की क्लासेस हैं। मैट्रिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, हमारे पास जो समय बचाएंगे ना उस समय को हम 10 ईयर पे लगाएंगे, क्योंकि 10 ईयर बिल्कुल आपको एग्जाम का आइडिया देगा और आप 100% अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में हम मैक्सिमम मिनिमम की टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ये कुछ टॉपिक रह गया था अगली क्लासेस 3-4 क्वेश्चन के, और इसको हम अच्छे से वाइंड अप कर देंगे, और फिर हम जो है एडवांस कैलकुलस की तरफ फिर मूव कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन से उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। मैट्रिक्स एंड एलएलपी आपका हो गया है, मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैथमेटिक्स और फाइनेंस आपको पढ़ाऊंगा। तो कैलकुलस और मैथमेटिक्स और फाइनेंस, कैलकुलस के दो क्वेश्चन पक्के आपके कैलकुलस से आएंगे ही आएंगे, एक मैथमेटिक्स और फाइनेंस से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपके पास में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 इक्वल वेटेज होगा आपका, और 5 यूनिट आपके पास में मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन मैट्रिक्स के ही होंगे,
लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आएगा उसके ऑप्शन में लीनियर प्रोग्रामिंग ही होगा। कैलकुलस से रिलेटेड दो क्वेश्चन आएंगे उसके ऑप्शन में आपके पास में कैलकुलस के ही होंगे, और आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस से क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में मैथमेटिक्स और फाइनेंस ही होंगे। और पांचों क्वेश्चन इक्वल वेटेज का होगा आपका, तो जिसमें से कि दो क्वेश्चन आपका कैलकुलस से कवर होगा और एक में मैथमेटिक्स और फाइनेंस करवाऊंगा वहां से कवर होगा, तीन क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपने अपने लीनियर प्रोग्रामिंग और एक क्वेश्चन आप अपने मैट्रिक्स से कवर कर लीजिए जो कि मैं भी करवा चुका हूं। और जो आपके डाउट्स उसके लिए डाउट क्लास रख दूंगा मैं आपके लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए और मैट्रिक्स के लिए दोबारा से। जैसे आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाद इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, बैच बैच बनता रहता है, हम क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।